वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट प्रैक्टिशनर्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे हाउ टू टॉक अबाउट प्रैक्टिशनर्स का पार्ट वन, दिस इज द पार्ट टू जिसमें हम लोग सेशन नंबर 9 और 8 डिस्कस करेंगे। सेशन 7 और 8 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो हे गाइज, माय नेम इज अमन त्रिवेदी और आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं दैट टू फ्री, तो आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एंटर किया हुआ है। आप सिंपली amantrivedi.com अगर आप पर जाएंगे तो आप फ्री असाइनमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर मेरा आप सर्च करोगे @amantrivedi तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी क्लासेस मेरी क्लासेस हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो PDF अगर आपको इस सेशन की चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की क्लास को। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी पर मैं आपको वोकैबुलरी बूस्टर फॉर SSC CGL 2019 CHSL 2019 पार्ट वन एंड पार्ट टू लेकर आ रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पर। ये आपका 1 फरवरी से शुरू होगा और 1 17 फरवरी से। दोनों की क्लासेस 7 बजे से शुरू होंगी, 7 बजे से 8 बजे तक, जो कि आपका वोकैबुलरी बूस्टर का काम करेगा फॉर SSC CGL 2019 एंड CHSL 2019। ठीक है, और इसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स शुरू हो चुका है अनअकैडमी प्लस पर। 20 जनवरी से शुरू है, 20 जनवरी से आपका 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका ये बैच चलेगा जिसमें हम लोग कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप नोट कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड जो कि है AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ क्वेरी है, तो आप 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो रेफरल कोड जरूर नोट कर लीजिएगा जो कि है AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला वर्ड जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, ओडोन्टोज मतलब होता है टूथ, ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट, तो ऑर्थोडोंटिस्ट हो जाता है। अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ टीथ, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अगला वर्ड आपका हो जाता है, इसी से बनता है, दैट इज पेरीओडोंटिस्ट। पेरीओडोंटिस्ट का मतलब क्या हो गया? पेरी का मतलब हुआ अराउंड, ओडोन्टोज का मतलब हुआ आपका टूथ। ठीक है, तो पेरीओडोंटिस्ट का मतलब क्या हो गया? अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन डिसीजेज ऑफ द गम्स एंड अदर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द टीथ। पेरीओडोंटिस्ट मतलब क्या हुआ? वो डेंटिस्ट जो कि स्पेशलाइज करता है इसमें, कौन से में? डिसीजेज में, जो कि आपकी गम्स से रिलेटेड हैं और बाकी स्ट्रक्चर से जो कि आपके टीथ के आसपास होता है। जैसे कि आपके दांत हैं, दांत के आसपास जो गम्स वगैरह हैं उनको जो ट्रीट करेगा, जैसे ओडोंटिस्ट क्या है? दांतों के, आपका डेंटल वाला हो गया जो दांत ट्रीट करेगा। ओडोंटिस्ट क्या करेगा? आपके दांतों को सीधा करेगा। पेरीओडोंटिस्ट क्या करेगा? आपके मसूड़ों में, आपके मुंह के आसपास जो भी चीजें हैं उनके जो ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा? आपका पेरीओडोंटिस्ट करेगा। तो अ डेंटिस्ट जो कि स्पेशलाइज करता है बीमारियों में जो कि आपकी गम्स और अदर स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं उनको आपका ट्रीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, हर रिकॉल विजिट इंटरवल्स टू द पेरीओडोंटिस्ट वर ट्वाइस ईयरली। ठीक है, पेरीओडोंटिक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगला टर्म ओडोंटिस्ट, ओडोंटोस से ही बनता है जो कि टूथ है आपका। इसमें आपका रूट वर्ड इन्होंने यूज किया एंडोन। एंडोन का मतलब क्या हो गया? इनर। एंडोन का मतलब क्या हो गया? इनर। तो अब देखिए एंडोंटिस्ट क्या हो गया? एंडोडोंटिस्ट क्या हो गया आपका? अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द डिसीज ऑफ द डेंटल पल्प एंड नर्व। तो डेंटल पल्प और नर्व में जो स्पेशलाइजेशन जिसका होगा उस डेंटिस्ट को हम कहेंगे एंडोडोंटिस्ट। ठीक है, यानी कि दांतों के जो पल्प और उसमें नर्व वगैरह में जो उसका ट्रीटमेंट करेगा उस डॉक्टर को कहेंगे एंडोडोंटिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो, एंडोडोंटिस्ट मेक्स एन ओपनिंग इन द क्राउन ऑफ द टूथ। ठीक है, अगला वर्ड हमें मिला रूट वर्ड, दैट इज मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। इससे क्या बना? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टो मतलब मैंने बताया था आपका ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स यानी कि लाइट। मेट्रन मतलब मेजर, तो वन हु मेजर्स विजन, टेस्ट ऑफ ग्लूकोमा एंड प्रेस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस, जो आंख चश्मे नापता है उसे हम कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट।
एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया हुआ था कल भी, द के मार्ट्स इमीडिएट नेबर इन द शॉपिंग सेंटर इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑफिस। अब देखो मेट्रॉन मतलब क्या है, मेजरमेंट। थर्मो, थर्मो मतलब हो जाता है हीट, तो थर्मोमीटर मतलब क्या हुआ, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट जो है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। यूज अ थर्मोमीटर टू गॉज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के लिए यू शुड यूज अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या हो गया, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, ठीक है, हीट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अगला हो जाता है मेट्रॉन एंड बैरोस। तो मेट्रॉन मतलब हो गया मेजरमेंट, बैरोस मतलब हो गया वेट। मेट्रॉन मतलब हो गया मेजरमेंट, बैरोस मतलब हो गया वेट, तो टर्म आया आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या करेगा, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है दैट इज कॉल्ड आपका बैरोमीटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, दिस सर्वे इज कंसीडर्ड टू बी अ रिलायबल बैरोमीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये सर्वे जो कंडक्ट किया जा रहा है इसको आप एक तरीके से रिलायबल बैरोमीटर मान सकते हो पब्लिक ओपिनियन का, किस लोगों का ओपिनियन क्या है किस बारे में। तो ये सर्वे आपका अच्छे से पब्लिक के प्रेशर को नाप रहा है, ठीक। अगला idiom, आप अगला वर्ड मिलता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोस मतलब क्या होता है, स्फिग्मोस का रूट वर्ड है, स्फिग्मोस का मतलब हो जाता है पल्स, और स्फिग्मोस स्फिग्मोमैनोमीटर, मेट्रोन मतलब हो गया मेजर, तो स्फिग्मोमैनोमीटर थोड़ा सा टंग ट्विस्टर का काम कर रहा है ये वर्ड, स्फिग्मोमैनोमीटर मतलब हो गया एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, स्पेशली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर को नापते हैं, जो ब्लड प्रेशर नापने वाली इस तरीके की जो मशीन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हो, ही इवन कंसिडर्ड फेचिंग हिज स्फिग्मोमैनोमीटर एंड टेकिंग हिज ब्लड प्रेशर सिंपली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। यानी कि उसने इवन कंसिडर किया अपने स्फिग्मोमैनोमीटर को फेच करने, यानी कि उसको लाने के लिए, टेक उसका ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। अगला वर्ड आपको मिलता है मेट्रॉन का मतलब, जैसे बताया मेजरमेंट, इसी से वर्ड बना मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम क्या है, अ डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर जो है उसे हम मेट्रिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम अपने वेट्स वगैरह को मेजर करते हैं। अगला वर्ड बनता है आपका, अगला रूट वर्ड ध्यान दीजिए, अगला रूट वर्ड हमारा है ऑस्टियन। ऑस्टियन का मतलब क्या हो गया, बोन। पैथोस मतलब हो गया सफरिंग और डिसीज। तो ऑस्टियोपैथ, ऑस्टियोपैथ क्या हो जाता है, ऑस्टियोपैथ हो जाता है अ थेरेपिस्ट हु मैनिपुलेट्स द स्केलेटन एंड मसल्स। तो जो स्केलेटन के आपका को मैनिपुलेट करेगा, यानी कि उसके स्केलेटन को में कर कोई डिफॉर्मेशन है उसे ठीक करेगा, मसल में कोई डिफॉर्मेशन है उसे ठीक करेगा, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपैथ। पैथ मतलब हो गया आपका सफरिंग, ऑस्टियो मतलब हो गया बोन। तो इसीलिए एन ऑस्टियोपैथ हैज बीन ट्रीटिंग हर इंजर्ड बैक, उसके जो बैक में चोट लगी है उसे कौन ठीक कर रहा है, एक ऑस्टियोपैथ ठीक कर रहा है। तो ऑस्टियोपैथ मतलब समझ में आ गया। अगला वर्ड होता है ऑस्टियोपैथी। तो पैथी मतलब हो जाता है थेरेपी बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट रिस्टोरिंग हेल्थ इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय मैनिपुलेटिंग द स्केलेटन एंड मसल्स। तो ऑस्टियोपैथी में जैसे आपका जो फिजियोथेरेपी वगैरह होता है, ऑस्टियोपैथी में आपके इन्वॉल्व्स मसाज एंड मैनिपुलेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, इनको ठीक करके आपको ये पूरी हेल्थ आपकी ठीक की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपैथी, ठीक है। अगला वर्ड हो जाता है आपका, देखिए कायर, कायर मतलब हो जाता है हैंड, POUS या पैरपोडोस का मतलब होता है फुट। तो वर्ड बना कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडिस्ट मतलब क्या हो गया, स्पेशलिस्ट इन केयर ऑफ फॉर द फीट। कायरो मतलब हो गया आपका हैंड, हाथ से, हाथ से आप क्या करते हो, किसी की केयर करोगे। पॉड मतलब हो गया आपका फुट, तो कायरोपोडिस्ट हो गया स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द फीट, जो फुट मसाज, फुट का केयर करेगा उसे कहते हैं कायरोपोडिस्ट। वर्ड हुआ अ फुट मसाज बाय अ ट्रेंड कायरोपोडिस्ट इज श्योर टू पुट द स्प्रिंग बैक इनटू योर स्टेप एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट्स एट 15 यूरोस, ठीक है। तो फुट मसाज वगैरह जो देते हैं उसे कायरोपोडिस्ट कहेंगे। अगला वर्ड हो गया कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक मतलब हो गया मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज। तो कायरोप्रैक्टिक आपकी एक तरीके की प्रैक्टिस हो गई जिसमें आप मसाज वगैरह देके किसी को ठीक करते हैं। अगला वर्ड है आपका कायरोमैंसी। मैंसी मतलब हो गया फोरटेलिंग या प्रेडिक्शन, फ्यूचर बताना, किसी को फोरटेल करना, प्रेडिक्शन करना, कायरोमैंसी। तो कायरो मतलब हो गया हैंड, मैंसी मतलब हो गया फ्यूचर बताना। तो वर्ड बना कायरोमैंसी, मीनिंग हो गया पाम रीडिंग, जो हस्त रेखा वगैरह आपको देखते हैं उसे कहते हैं कायरोमैंसी, ठीक है। पाम रीडिंग जो करते हैं उसे कहते हैं आपका कायरोमैंसी। कायरोमैंसर होता है आपका वन हु रीड्स पाम, जो पाम को पढ़ता है, जो आपका हस्त रेखाओं को पढ़ता है उसे कहते हैं कायरोमैंसर।
ऑफ ऑल डिविनेशन प्रैक्टिसेस पाम रीडिंग ऑल्सो नोन एज कायरोमेंसी और पामिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिगार्डेड. तो कायरोमेंसी को हम पामिस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें आपको हाथ हस्तरेखा वगैरह पढ़ने को. अगला वर्ड हो गया आपका, जैसे मैंने बताया ऑक्टो मतलब हो गया एट, पोयूस मतलब हो गया फुट. तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टो मतलब हो गया एट, पीयूएस मतलब हुआ फुट, मतलब हो गया एट आर्म्ड सी क्रीचर. जो ये ऑक्टोपस है इसे हम कहते हैं ऑक्टोपस आपका, ठीक है. आप सभी लोग जानते हैं एक ऑक्टोपस पॉल थे जो आपका फुट और फुटबॉल मैचेस की प्रेडिक्शन करता था. इसी से बना आपका प्लैटिपस. प्लैटिपस क्या हो गया, स्मॉल डेंसली फर्ड एक्वाटिक मोनोट्रिम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया हैविंग अ ब्रॉड बिल एंड एंड टेल एंड वेब्ड फीट. तो इस तरीके का आपका क्रीचर है ये प्लैटिपस. वन ऑफ द मैस्कट्स वॉज द प्लैटिपस, एक बार मैस्कट बना था प्लैटिपस. तो प्लैटिपस मतलब समझ गया, प्लैटिस मतलब हो गया फ्लैट एंड ब्रॉड, और पैडोस मतलब हो गया फुट. तो प्लैटिपस मतलब हो गया जिसका फुट जो है फ्लैट एंड ब्रॉड है, ठीक है. अगला हो जाता है आपका पोडियम. पोडियम मतलब आई यू एम मतलब हो जाता है प्लेस, पॉड मतलब हो गया फुट. तो पोडियम मतलब हुआ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म जो इस तरीके का होता है, दिस इज कॉल्ड पोडियम आपका. शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टेप्ड अप टू द पोडियम, पोडियम पर उसने पैर रखा. पोडियम मतलब एक तरीके से स्टेज कह सकते हैं. अगला वर्ड हो जाता है आपका जिम्नेशियम. तो जिम्नेशियम मतलब, शियम मतलब हो गया प्लेस, तो जिम्नेशियम हो गया स्कूल फॉर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट बिटवीन एलिमेंट्री एंड स्कूल एंड कॉलेज. तो जिम्नेशियम आपका कह सकते हैं आप स्कूल को फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एलिमेंट्री स्कूल ऑफ कॉलेज, ठीक है. तो जिम्नेशियम समझ में आ गया. तो जिम्नेशियम क्या हुआ आपका, जिम्नेशियम इसका, जिम्नेशियम वैसे आप जिम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. जिम्नेशियम जो वर्ड है आपका, जिम्नेशियम जो वर्ड है दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर जिम. और जिम आप सभी लोगों को पता हुआ जहाँ पर आप बॉडी बिल्डिंग वगैरह की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सरसाइज प्लेस, ठीक है. और आपका जिम आप किसे कहते हैं, जिम आप जहाँ पे वर्कआउट करते हैं उस जगह को भी कहते हैं, ठीक है. तो दोनों ही मतलब हैं आपके जिम्नेशियम के. अगला है स्टेडियम. तो स्टेडियम मतलब क्या हो गया, स्टेडियम मतलब, स्टेडियम किससे बना आपका, स्टैंड से. और अ लार्ज स्ट्रक्चर फॉर ओपन एयर स्पोर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट. तो इस तरीके की जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड स्टेडियम, ठीक है. स्टेडियम आपका समझ में आ गया, जो स्टेडियम जहाँ क्रिकेट स्टेडियम आप क्रिकेट खेलते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेडियम. अगला वर्ड हुआ ऑडिटोरियम. तो ये जो जगह है ऑडिटोरियम मतलब जहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह होती है दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम. द एरिया ऑफ अ थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सिट्स, जहाँ पर ऑडियंस बैठती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑडिटोरियम, ठीक है. द एरिया ऑफ अ थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सिट्स इज कॉल्ड ऑडिटोरियम. अगला वर्ड है ट्राईपॉड. ट्राईपॉड आप सभी लोगों ने देखा होगा, ट्राई मतलब हुआ थ्री, पॉड मतलब होगा फुट. तो ट्राईपॉड मतलब हो गया अ थ्री लेग्ड रैक यूज्ड फॉर सपोर्ट, इस तरीके का जो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्राईपॉड. मेक श्योर द ट्राईपॉड स्टेबल, ठीक है. अगला वर्ड हो जाता है आपका पीडियाट्रिस्ट, सॉरी पोडियाट्रिस्ट. पोडिया पॉड मतलब हो गया आपका फुट, एट्रिस्ट मतलब मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट. तो स्पेशलिस्ट इन द केयर फॉर फीट इज कॉल्ड पोडियाट्रिस्ट. वाइल ओनली अ पोडियाट्रिस्ट कैन गिव यू अ फुल्ली एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ योर फुट टाइप, यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ एट होम टू, ठीक है. यानी कि पोडियाट्रिस्ट ही आपके फुट के टाइप के बारे में ज्यादा रीडिंग कर सकता है. अगला वर्ड है लोगोस मतलब साइंस, ग्राफीन मतलब टू राइट, बताया हुआ है. तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या हो गया, वन हु स्टडीज ग्राफोलॉजी. जो ग्राफोलॉजी क्या हो गया, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग. तो हैंड राइटिंग के बारे में जो पढ़ेगा उसे कहेंगे ग्राफोलॉजिस्ट. ग्राफोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन द ग्राफोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट्स अ कैरेक्टर पोर्ट्रेट, ठीक है. ग्राफोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव बन जाएगा. अगला वर्ड हुआ कैलीग्राफी. ग्राफीन मतलब लिखना, कैलोस मतलब हो गया ब्यूटी. तो कैलीग्राफर मतलब हो गया जो कैलीग्राफी प्रैक्टिस करता है, और कैलीग्राफी मतलब हो गया ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ट्रूली अ ग्रेट कैलीग्राफर एंड पेंटर, ठीक है. अगला वर्ड हुआ इसका जस्ट एंटोनिम, वो हो जाता है कैको. कैकोस मतलब हो जाता है बैड. तो कैकोग्राफी मतलब हो गया बैड हैंडराइटिंग. जो बैड हैंडराइटिंग लिखना है उसे कहेंगे कैकोग्राफी. अगला वर्ड हुआ कार्डियोग्राफी. कार्डिया मतलब मैंने आपको बताया था, कार्डिया मतलब होता है हर्ट. तो ग्राफी मतलब हो गया लिखना. तो कार्डियोग्राफ क्या हो गया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हर्ट. तो ये जो आपको रिकॉर्ड करता है दैट इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ, ठीक है. अगला है फोटोग्राफ.
फोटो मतलब होता है लाइट, ग्राफ मतलब हो गया लिखना जो फोटो यानी कि लाइट की जो पिक्चर खींचते हैं हम लोग, जो पिक्चर खींचते हैं दैट इज बेसिकली फोटोग्राफ। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और सीन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट और ट्रांसपेरेंट स्लाइड इज कॉल्ड फोटोग्राफ। आई विश आई हैड अ फोटोग्राफ ऑफ थॉमस। फोनोग्राफ क्या हुआ? फोन मतलब हो गया साउंड, ग्राफ मतलब हो गया लिखना, फोनोग्राफ मतलब हो गया अ मशीन इन विच रोटेटिंग रिकॉर्ड्स। इस तरीके की जो मशीन होती है दिस इज बेसिकली कॉल्ड फोनोग्राफ। कॉज अ स्टाइलस टू वाइब्रेट एंड द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड अकॉस्टिकली ऑन इलेक्ट्रॉनिकली, सो दिस इज कॉल्ड फोनोग्राफ। म्यूजिक विल बी प्लेड ऑन फोनोग्राफ, यू कैन रीड इट। अगला वर्ड हुआ हमारा टेलीग्राफ। टेली मतलब हो जाता है डिस्टेंस, ग्राफ मतलब हो गया लिखना, तो टेलीग्राफ इज द एपरेटस यूज टू कम्युनिकेट एट अ डिस्टेंस यूज्ड ओवर अ वायर यूजली इन मॉर्स कोड। तो जैसे आपने ये देखा होगा, अगर राजी मूवी देखी हो, राजी मूवी में आलिया भट्ट यूज करती है दिस इस इंस्ट्रूमेंट को, जिससे टेलीग्राफ, जिससे वो अपना मैसेज भेज देती है जल्दी जल्दी से लिख कर। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया टेलीग्राफ क्या है। चलिए अगला वर्ड हुआ बायोग्राफी। तो बायो का मतलब बायोस से बना है लाइफ, बायो का मतलब लाइफ, तो ग्राफ मतलब हो गया लिखना। बायोग्राफी क्या हो गया? An account of the series of events making up a person's life is called biography. किसी के life के बारे में लिखना is called biography. Nelson Mandela is the subject of a new biography. ठीक, और इसी में अगर हम auto लगा दें तो वो हो जाती है autobiography. Auto मतलब हो जाता है आपका self. तो खुद से अगर आप लिख रहे हो अपने जीवन के बारे में that is called autobiography. अगला वर्ड आपका है गिरास। गिरास मतलब हो जाता है ओल्ड। तो पहला वर्ड आया जेरियाट्रिशियन। तो जेरियाट्रिशियन मतलब हो जाता है अ स्पेशलिस्ट इन जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेरियाट्रिशियन मतलब हो जाता है आपका अ स्पेशलिस्ट इन जेरेंटोलॉजी, मतलब हो गया आपका जो व्यक्ति बुढ़ापे के बूढ़े लोगों के बारे में स्टडी करता है। जेरेंटोलॉजी क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद डिसीजेज एंड प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू ओल्ड पीपल। बूढ़े लोगों से रिलेटेड जो भी समस्याओं को डील करता है उसे कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी हैज सडनली बिकम पॉपुलर। ठीक है, इसी से बना जेरेंटोलॉजिस्ट। तो जो जेरेंटोलॉजी में स्पेशलिस्ट है उसे हम क्या कहेंगे? जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजिस्ट। टर्म एग्जाम्पल आया द बटलर अ साइकेट्रिस्ट एंड जेरेंटोलॉजिस्ट हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉन्गेविटी सेंटर यूएसए। तो जेरेंटोलॉजिकल विल बी द एडजेक्टिव। अगला वर्ड है आपका सेनेक्स। सेनेक्स मतलब होता है ओल्ड। उससे वर्ड आया आपका सेनाइल। सेनाइल मतलब हो गया थोड़ा सा सनकी। ठीक है, इसेंट्रिक भी कह सकते हैं इसे आप, इसे आप कैप्रिशियस भी कह सकते हैं, बट बेसिकली सेनाइल इज यूज्ड फॉर ओल्ड पीपल। ऑफ रिलेटिंग टू एग्जिबिटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड एज उसे कहते हैं सेनाइल, जिसे सनकी कहते हैं। सेनेसेंट मतलब क्या हुआ? द स्टेट ऑफ बीइंग ओल्ड, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड इज कॉल्ड सेनेसेंट, क्योंकि सेनेक्स का मतलब ही हो जाता है ओल्ड। सीनियर पर्सन आ जाता है ओल्ड के लिए ही। ठीक है, सीनियर, सेनेट मतलब हो गया असेंबली और काउंसिल यूजिंग प्रोसेसिंग हाई डिलीवरेबल और लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो ये सारे वर्ड्स आपके आज सेशन के लिए रहे, जो कि हमारा था आपका दो आप जो जिसमें हम लोग सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे। आगे के वीडियोस में हम आगे के सेशंस को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल @AmanTrivedi ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT न्यूट कर लीजिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर व्हाट्सएप पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप 8299117042 पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।